पूर्ण शिवाय नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 13 फरवरी 2021 को। अभी सूर्य मकर राशि में है, अब यहाँ से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे। तो किस तरीके से परिणाम देंगे सभी के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। लग्न राशि वो होती है जो आपकी कुंडली में ऊपर बीच में चतुर्भुज बना होता है, वहां पे जो नंबर लिखा होता है वो आपकी लग्न होती है। और चंद्रमा जहाँ पे कुंडली में लिखा होता है, जो नंबर वहां पे पड़ा होता है, वो आपकी चंद्र राशि होती है। तो दोनों से मिलाकर के आप परिणाम को सुना करिए, उससे आपको रिजल्ट काफी सटीक समझ में आ पाएगा। और दूसरा ये है कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो है, सूर्य काल पुरुष की पत्रिका में पंचम भाव को लेकर के चलते हैं। आत्मा के कारक ग्रह हैं, प्रशासन के कारक ग्रह हैं। ये व्यक्ति की एनर्जी को दिखाते हैं, उसके आत्मविश्वास को दिखाते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या ध्येय लेके आया है, क्या उद्देश्य लेके आया है, इन चीजों को दिखाने वाले ग्रह जो है वो सूर्य है। प्रशासन के ग्रह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रह हैं। और शनि जो कुंभ की राशि है वो प्राप्तियों की राशि है, शनि की राशि है, वहां से चीजों की अचीवमेंट्स देखी जाती है। और वो बौद्धिक राशि है, काम त्रिकोण की तीसरी राशि है वो। तो वहां पे जब सूर्य आत्मा के कारक ग्रह सूर्य जाएंगे, क्रिएटिविटी के कारक ग्रह सूर्य जाएंगे, तो काम त्रिकोण में ये किस तरीके से प्रभाव देंगे। और ये इनके शत्रु ग्रह, हालांकि शनि इनके पुत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें एक वैचारिक मतभेद या एक स्वभाव में जो इनमें नैसर्गिक कारकत्व में भिन्नता है वो है। तो जब सूर्य कुंभ में जाएंगे तो अपने परिणाम को किस तरीके से देंगे, उसी के बारे में बात करते हैं। और इस वीडियो में मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, जो मेष लग्न वाले लोग हैं, मेष लग्न राशि वालों के लिए जो सूर्य है आपके लिए, ये आपके पंचम भाव के मालिक हैं। आपका जो पांचवा भाव है, जो आपके संतान का, शिक्षा का, बुद्धि का, आपके प्रेम संबंध का, आप जो क्रिएटिविटी करते हैं, जो आपकी रचनात्मकता है, जो आपकी काउंसलिंग है, जो आपका तंत्र मंत्र साधना का भाव है, उसका मालिक होकर के सूर्य आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति निर्मित करेंगे सूर्य यहाँ पे कुंभ राशि में, ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके इन सारी चीजों में एक वृद्धि का कार्य करेंगे। तो ये जो पूरा 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, 13 फरवरी को यहाँ पर सूर्य आएंगे और 1 महीने के करीब ही रहेंगे कुंभ राशि में, फिर इनका मार्च में राशि परिवर्तन होगा। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए आपके संतान से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। आपकी रचनात्मकता काफी बढ़ी हुई रहेगी, बौद्धिक बुद्धि आपकी काफी तीव्र हो जाएगी। जो भी आप कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको काफी लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। और पूरा जो समय रहेगा 1 महीने का, ये आपके लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग को भी निर्मित करेगा। हर एक तरह से आपके लिए लाभ की संभावना निर्मित करेगा। तो सूर्य का जो ये गोचर है, मेष लग्न राशि वालों के लिए काफी शुभता भरा परिणाम देने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य एकादश भाव में बैठ करके काफी अच्छा परिणाम देते हैं गोचर में भी। तो ये आपके लिए, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका हायर अथॉरिटी है सोसाइटी में, जो बड़े लोग होते हैं, स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के चैरिटी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं या किसी तरह के क्लब वगैरह से जुड़ के एनजीओज में जो लोग काम करते हैं, उन सभी के लिए एक पॉजिटिव टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली और नेम फेम प्रसिद्धि, हर एक तरह से आपको एक शुभता भरा परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा 1 महीने का गोचर है, वो मेष लग्न राशि वालों के लिए काफी सपोर्टिंग है, काफी पॉजिटिव आपको इवन इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। तो इस गोचर का आपको फायदा भी लेना चाहिए।
इसके बाद जो वृषभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ पर सूर्य आपके चौथे भाव के मालिक होकर के आपके दसम भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये ट्रांजिट काफी अच्छा है। जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको कहीं ना कहीं एक नेम फेम पद प्रतिष्ठा इन सारी चीजों में वृद्धि के योग आपके लिए निर्मित होंगे। जो आपका कार्य क्षेत्र है, व्यवसाय है, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपको गवर्नमेंट के द्वारा लाभ, या जो आपका हायर अथॉरिटी से जो एक संबंध होता है, या जो आपके बॉसेज हैं जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट, या आपका कार्य क्षेत्र में एक प्रमोशन, या कार्य क्षेत्र में एक वृद्धि के योग आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ एक संभावना ये भी बनेगी कि जो आपके पिता हैं, पिता से संबंधित जो चीजें हैं, उसमें भी कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा लाभ, नेम फेम पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों की आपको प्राप्तियां होंगी। परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना, या किसी तरह का व्हीकल वगैरह, परिवार के अंदर किसी भी चीज को अगर आप लाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी गोचर एक महीने का आपको काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। लेकिन चूंकि सूर्य यहाँ पे रहेंगे और अपने ही घर को देखेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। परिवार के अंदर शुभता वाले इवेंट्स देखने को आपको मिल सकते हैं, तो वृषभ लगन राशि वालों के लिए भी गोचर काफी अच्छा प्रभाव दे सकता है। और दूसरा क्या रहेगा कि सूर्य यहाँ पर तीन नक्षत्रों से भी होकर के निकलेंगे, तो उसका भी आपको परिणाम देखने को मिलेगा पूरे पीरियड में। धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद तीन नक्षत्रों से इनका गोचर होगा, मंगल के और राहु के और गुरु के नक्षत्र से, तो उसका भी आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको परिणाम देखने को मिलेगा। फिर भी वृषभ वालों के लिए कुल मिलाकर की जो स्थितियां हैं वो अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा परिवार के अंदर किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रह हैं तो तेज हैं, हालांकि अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा केयरफुल होकर आपको रहना चाहिए। इसके बाद जो मिथुन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके तृतीय भाव के मालिक होकर के, थर्ड हाउस के मालिक होकर के आपके नवम भाव में जा रहे हैं गोचर में, तो ये स्थिति आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या किसी भी उच्च शिक्षा से जुड़ करके अगर आपका कार्य है, तो आपके लिए पूरा एक महीने का गोचर काफी सपोर्ट देने का कार्य करेगा। आपको अपने पिता का काफी सहयोग मिल सकता है इस पूरे पीरियड में। धर्म कर्म आध्यात्म से संबंधित जो क्रियाकलाप है आपके, उसकी एक्टिविटीज आपकी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ ये भी संभावना बन सकती है कि जो आपका पूरा एक महीने का समय रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को बढ़ाने का कार्य करेगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपके पड़ोसी वगैरह हैं, या जो भी लोग मार्केटिंग, सेल्स, इन सारी चीजों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पूरा एक महीने का टाइम पीरियड काफी पॉजिटिव रहने के योग निर्मित हो सकते हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, व्यवसाय से भी धन लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। आपकी वाणी काफी प्रभावशाली हो जाएगी, जो आपका बात करने का तरीका है उसमें कॉन्फिडेंस और एक काफी ओजस्विता आपकी वाणी में आ जाएगी। इस तरीके से आप इस गोचर को ले सकते हैं। और जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या सेल्स, मार्केटिंग, टूर ट्रेवल्स, इन सारे फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो पब्लिशिंग से जुड़े हुए लोग हैं, या राइटिंग वगैरह से जुड़ करके जिनका कार्य है, तो उन सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा एक महीने का गोचर आपको कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेगा। स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं, या इस तरह का कुछ काम है, उनको भी अपने कार्य में काफी उन्नति देखने को मिलेगी। तो इस गोचर का आप लोगों को लाभ लेना चाहिए। इसके बाद जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर सूर्य आपके द्वितीय भाव के, धन भाव के स्वामी होकर के आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो ये जो स्थिति बन रही है, आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकते हैं, या अचानक से लॉसेस भी हो सकते हैं, दोनों ही संभावनाएं रहेंगी। इस पूरे एक महीने के अंदर जो आपका रुझान है, वो कहीं ना कहीं जो आपके धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, वो भी हो सकता है कि किसी भी तरह के कोई, जैसे LIC है, बीमा है, या कोई सडन जो धन प्राप्ति के माध्यम होते हैं, उसके द्वारा जो है आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकते हैं। और सूर्य यहाँ पर आए हैं और अष्टम भाव जो है कहीं ना कहीं विश्व की ऊर्जा को लेकर के चलता है, तो आपका जो मन है थोड़ा इस पीरियड में ईश्वर की ओर, अध्यात्म की ओर, तंत्र मंत्र साधना, इन क्षेत्रों में भी आपका मन लग सकता है। और यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, आपके वाणी स्थान को देखेंगे, तो ये अपने धन को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे, साथ में आपकी वाणी में भी तेजस्विता, ओजस्विता बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप अपने वाणी
के द्वारा भी बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा आप अपनी बोली भाषा का ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का भी है, कुटुंब का भी है, तो वाणी के द्वारा परिवार में कोई टकराव या कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं निर्मित होने पाए, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर भी कुल मिलाकर के ये है कि आपके लिए कहीं ना कहीं से सडन धन प्राप्ति के योग भी निर्मित हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। और धन प्राप्ति के जो योग निर्मित होंगे वो LIC बीमा फंड इस तरह के माध्यमों से आपको मिलने के योग बन सकते हैं। इसके बाद जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके लग्न भाव के स्वामी होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। लग्नेश जो है सप्तम भाव में आ रहा है, तो जो आपका व्यापार है, जो आपका जीवन साथी है, उससे संबंधित चीजों में आपकी एक पकड़ बढ़ेगी, मजबूती आएगी, और जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है उसमें भी कहीं ना कहीं एक मजबूती देखने को मिलेगी। और साथ में यहाँ पर सूर्य बैठ करके आपके आपको स्वयं देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे, तो पूरे एक महीने तक आपका आत्मविश्वास जो है वो काफी मजबूत हो जाएगा, आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। आप अपने आत्मविश्वास के द्वारा जो आपका समाज में एक मान सम्मान प्रतिष्ठा नेम फेम प्रसिद्धि दिलाने का भी कार्य करेगा ये सूर्य एक महीना आपको, तो एक अच्छी स्थिति आपके लिए है सिंह लग्न राशि वालों के लिए। सप्तम में सूर्य बैठ करके आपके नेम फेम पद प्रतिष्ठा इन सारी चीजों को बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा सा अपने वैवाहिक संबंध को लेकर के अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो आपकी रिलेशनशिप है उसको संभालिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कुंभ की राशि में आ जाएंगे जो कि उनके शत्रु की राशि होती है, तो जीवन साथी के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो पूरा गोचर रहेगा आपके लिए विशेष रूप से आपके नेम फेम पद प्रतिष्ठा इनको बढ़ाने का कार्य करेगा जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं। इसके बाद जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके द्वादश भाव के मालिक होकर के आपके छठवें भाव में आ रहे हैं, तो द्वादश भाव के मालिक का छठे भाव में आना, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे इवेंट्स हों जो कि आपके लिए कुछ स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को भी दिखा सकता है, स्पेशली आपके जो स्टमक वाला एरिया है उसके नीचे के जो भाग होते हैं उसमें किसी तरह के तकलीफ या इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। और साथ में कोई आपका विरोधी पक्ष होगा जो कि आपके लिए किसी से अगर आपका कोई डिस्प्यूट वगैरह चला रहा है, कोई लीगल डिस्प्यूट चला रहा है, तो उन सारी चीजों को दूर करने का प्रयास करेगा जो ये गोचर है पूरा एक महीने का, क्योंकि द्वादश का मालिक छठे भाव में आ रहा है कन्या लग्न राशि वालों के लिए। तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए एक संभावना निर्मित करती है कि जो आपका व्यापार है, कार्य क्षेत्र है, या जो भी आपका प्रोफेशन है, जो आप सर्विस सेक्टर से जुड़ करके हैं, उसका संबंध कहीं ना कहीं विदेश से बनने के योग निर्मित हो, या जो आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं, तो उसका भी एक विस्तार होने के योग बन सकते हैं। इस तरह से आप इस गोचर को ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी तरह के खर्चे के योग निर्मित हों, जो कि वो खर्चे आपका कोई भी व्यापार को, जो आपका सर्विस है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको विस्तार देने के लिए हो, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। और सूर्य यहाँ पर बैठ करके अपने द्वादश भाव को भी देखेंगे, तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जैसे चीजें भी आपको इस एक महीने के अंदर देखने को मिल सकती हैं, या ये हो सकता है कि कोई खर्चे जैसे योग निर्मित हो जाए, किसी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन या कहीं घर परिवार से दूर जाने के योग निर्मित हो। तो कुल मिलाकर के ये है कि कन्या लग्न राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में खर्चे बढ़ने की संभावना बन सकती है, और स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें रहेंगी उसके प्रति भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहना चाहिए। जो आपका मामा पक्ष है उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा जो ये गोचर रहेगा उस ओर से भी कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए छठे भाव में ये गोचर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कन्या लग्न राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है, एक कोई आपका विरोध वगैरह रहा होगा पहले से, किसी तरह के डिस्प्यूट वगैरह होंगे, या कोई लीगल इश्यूज वगैरह चले आ रहे होंगे, तो वो इस पीरियड में शॉर्ट आउट होने के योग बन सकते हैं। इस तरीके से ये जो पूरा गोचर रहेगा सूर्य का मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि सूर्य कुंभ की राशि में जा रहे हैं और ये राशि जो है उनके लिए कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं होती है, और तो आप लोग इस पीरियड को अपने पक्ष में करने का प्रयास करिएगा। एक महीने का ट्रांजिट है ये, और यहाँ पे ये तीन नक्षत्रों से भी होकर के निकलेंगे, मंगल के नक्षत्र से और राहु के नक्षत्र से और गुरु के नक्षत्र से, तो ये जो
प्रभाव रहेगा, आपको मिला जुला परिणाम देने का काम करेगा। और फरवरी के महीने में जब सूर्य आते हैं कुंभ में, तो उनकी स्थिति धीरे धीरे करके मजबूत होने लगती है। तो अगर आप लोग चाहें रेमेडी के तौर पे, तो सूर्य को जल चढ़ाना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, या आप इसको यूट्यूब पे लगा करके भी घर में रख सकते हैं, वो चलता रहे, संडे का दिन हो, रविवार के दिन, या जब भी आपको टाइम मिले तो आदित्य हृदय स्त्रोत लगा करके आप सुन सकते हैं। उससे भी अपना सूर्य काफी मजबूत होता है, क्योंकि सूर्य ही है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य, नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा देते हैं। तो सूर्य ग्रह जितना अच्छा रहे उतना आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस गोचर से कुछ जानकारी मिली होगी कि आने वाला जो एक महीना है, ये सूर्य का गोचर किस तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है। और जिनके लिए ये काफी अच्छा है, मेष के लिए अच्छा है, इनकम की स्थितियां निर्मित कर रहा है। सिंह वालों को थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में तालमेल बना के चलना चाहिए एक महीने के लिए, क्योंकि लग्नेश होकर के सप्तम में आ रहा है। तो आप लोग इसको देखिए और क्या इसका समझ सकते हैं। हालांकि बहुत ही सिंपल गोचर है, गोचर के ऊपर आधारित है, तो जो इसके परिणाम भी होंगे वो सामान्य तौर से ही रहेंगे। जो एक्चुअल इसका रिजल्ट मिलता है वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, और सूर्य आपके महादशांतर प्रत्यंतर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उन सारी चीजों के ऊपर निर्भर करेगा। फिर भी एक सिंपल सा गोचर का परिणाम है, तो कहीं कहीं प्रभाव भी दे देता है उसका, कहीं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ प्रभाव देखने को मिल जाता है। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के आऊंगी। और पहली बार आप लोग देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, इसमें कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्ते।